वो ये है हिमालय भूभाग, और यहाँ पर आजकल रहते हैं बकरी वाले। सो यहाँ पर हैं ये बकरी वालों का टेंट, ये हैं बकरियाँ और ये है इनकी घोड़े। तो आइए दिखाते हैं इनकी लाइफ स्टाइल। पापा खरुच के छ बाल बच्चे छोड़ खाए यहाँ भाई न गोरु पाखरु जी गेट ये खूब घोड़ा दी गेड़ी और क्या उन तब और कुछ नहीं होने भाई साहब ये हो न परखला आगने। सो यहाँ पर है ये टेंट और यहाँ पर है इनका किचन खाना बनाने वाला, साथ में ये है इनकी रखी हुई बर्तन, यहाँ है इनका तंबू जहाँ ये रहते हैं, ये है इनके कपड़े और ये हैं ऊन वाले कपड़े मोटे मोटे देख सकते हैं आप हाथ से बनी हुई अपने, और यहाँ पे ये ऊन देखिए स्पष्ट दिख रही होगी आपको, ये है इनका देखिए हथियार बहुत धारदार हथियार, ये है हमारे कुकिंग के बर्तन और लकड़ी काटने वाले, ये है कुत्तों के बर्तन और ये है देखिए कुल्हाड़ी, और ये है बकरी वाला भाई अपना जिसने पहन रखी प्रॉपर ड्रेस बकरी वाली ऊन से बने हुए कपड़े, और ये है कुत्ता, और ये है और ये है अपना कालू भाई। सो भाई इसका नाम है शेरू और इसका नाम है बॉबी, इसका नाम है पिंकी, इसका नाम है जग्गू, इसका नाम है फकू, ये भागता है तो पकड़ लिया मैंने इसका। हाँ भाई क्या चीज़ भाई जग्गू पग्गू। अच्छा ये है यहाँ का फॉरेस्टर वाला एरिया देख सकते कितना घनाघोर जंगल है, और ये पूरे हिमालय भाग हैं, 5000 मीटर यहाँ की ऊंचाई है, और ये है पानी यहाँ पे जहाँ से पानी पीते होंगे इनके घोड़े और बकरियाँ, और अब चलते हैं घोड़ों के पास। ये है यहाँ पे घोड़े जो अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, ये देखो भाई बहुत खतरनाक तरीका नया। छोटा वाला बच्चा सबसे छोटा यहाँ का ऐसा रही है ये है इनकी भीड़ ऊन वाले भीड़। ये हैं भाई बकरी वाले जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही कठिन है इन पहाड़ों में, और ये हैं इनकी बकरियां शानदार बकरियां, और ये देखिए ये बड़ा वाला इनका मिंडा, ओ और यहाँ पर भी है एक छोटा वाला, मारेगा तो नहीं, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े सिंग वाले मिंडे भी हैं। ये हैं बकरियाँ जो अभी धूप सेक रही हैं, सुबह का टाइम है, काफ़ी सुबह का टाइम है, और इनके छोटे छोटे ये बच्चे
ये देखिए कितने बड़े सिंह वाला है, और ये हैं बकरियां इस एरिया की, बहुत सारे आसपास भी रहते हैं बकरियों वाले। छोटे कान वाला बकरी, ये देखिए इसका कान कितना छोटा है। अभी हम थोड़े से हाइट पे आ चुके हैं और ये हैं बकरियां, और ये है यहाँ का एरिया, जंगल का जो एरिया है ये देखिए, बहुत घना घोर जंगल है।